यदि आप अपने जीवन में किसी भी दिन पॉर्न देखते हो तो आप अपने जीवन में सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण बहुत स्पष्ट है। सेक्स दुनिया की सबसे बड़ी इच्छा है, पॉर्न इंटरनेट में खुला दरवाजा है जिसे आप अपने बेडरूम तक पहुंच सकते हैं और सेक्स से संबंधित सभी चीजें देख सकते हैं। पर यह वीर्य का नाश भी करेगा, लेकिन ब्रह्मचारी तो ब्रह्मा में लीन होता है जो कि सृष्टि का रचने वाला भगवान है, तो इस तरह उसका वीर्य बच जाता है। एक महान व्यक्ति ने कहा, अगर आपका हाथ आग पर सिर्फ एक सेकंड के लिए है तो आपको महसूस होगा कि एक साल हो गया। उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, क्योंकि जब जलन होती है तो ऐसा लगता है बहुत देर तक आपने वो हाथ आग पर रखा है। ऐसे ही अगर आपकी नजर एक नग्न महिला पर है, एक साल तक आप उस पर ऐसे ही दृष्टि डालते हो तो आपको सिर्फ वो एक साल एक सेकंड महसूस होगा। मतलब स्त्री में रज रूपी काम रूपी अग्नि है, वह पुरुष अग्नि को बढ़ाने वाला वीर्य काम रूपी तेल है। मैं सिर्फ पॉर्न वीडियोस की बात कर रहा हूं जो आप नग्न अवस्था में देखते हो। कभी भी आग को बढ़ाने वाले तेल से आग नहीं बुझती, ध्यान रखना। अगर उस आग को शांत करना है तो मन में शांति को लेकर आना होगा, क्योंकि आग पानी से बुझती है, तेल से नहीं। वासना ब्रह्मचर्य के पालन से शांत होगी, ना कि वीर्य के नाश से। लोग सोचते हैं कि जो वो पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, कोई कोई सोचता है कि सिर्फ एक बार देखता हूं उसके बाद नहीं देखूंगा। वो एक बार देख लेता है, जैसे तैसे वो कंट्रोल कर भी लेता है, फिर वो दूसरी वीडियो स्लाइड करते करते दूसरी वीडियो पॉर्न में देखता है। ऐसे ही वीडियो का क्रम चलता रहता है और ना जाने कोई ऐसी वीडियो हो जाती है जिसमें वो ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद वो अपना क्रम तोड़ देता है। फिर उसे उदास, हताश, फिर कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान रखना, आग आग से नहीं बुझती। आप जो पॉर्न वीडियो देख रहे हो वो तेल के समान है, ध्यान रखना। अगर आप एक महीने तक पॉर्न वीडियो नहीं देखते हैं तो दूसरा महीना आपका बहुत आसानी से कट जाएगा, क्योंकि आपके मन में वो तेल डल नहीं रहा। और जब तेल नहीं डलेगा तो विचार बनेंगे नहीं, और विचार कम बनेंगे तो आप अपने आप पर संयम आसानी से रख सकते हो। ब्रह्मचर्य ही असली मन का संयम है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जरूरी है। ध्यान रखो मेरे भाई, आप पहले इस चीज को ट्राई करो। आप अगर 6 महीने, 1 साल या 1 महीने तक अगर कोई भी असली चीज नहीं देखते हो तो निश्चित ही आपके विचार पवित्र होना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में उत्साह बढ़ेगा आपका वो देखने के लिए, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाओगे। लेकिन अगर जैसे तैसे आपने कंट्रोल किया, लेकिन मैं यहां आपको कोई कंट्रोल नहीं करवाना चाहता। अरे उस ब्रह्मा में, उस प्रभु में और इस ज्ञान में, इस संसार की मुक्ति में और इस संसार के सत्य में अपने आप को बिजी रखो। जब आप खुद को इन चीजों में लगाए रखोगे बिना ये सोचे कि आप एक ब्रह्मचारी हो, नहीं, जब आप सत्य की ओर बढ़ाते चलोगे, मदद करते रहोगे लोगों की और अपने आप को सच्चाई से अवगत कराते रहोगे, लगातार ज्ञान को बढ़ाते रहोगे, तो भला तुम्हारी सुधबुद्ध कहां रहेगी कि क्या अश्लीलता, क्या अष्टमैथुन, क्या पॉर्न वीडियो, कुछ भी नहीं। लेकिन आप लगातार विचार भी करते रहते हो, पॉर्न वीडियोस भी देखते रहते हो, यानी कि तेल डालने का काम करते भी रहते हो, और फिर कहते हो कि हमसे अश्लीलता नहीं छूट रही। अश्लीलता का मतलब आप चाहे कुछ भी लगा लो, चाहे आप सेक्स लगा लो या अष्टमैथुन, ठीक है। तो मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि आप पहले उस तेल को डालना बंद करो, उस तेल को ही खत्म कर दो। आपको वो शांत आध्यात्मिकता, शांत ज्ञान, शांत पवित्रता को अपने मन में लाना होगा और आप बहुत आसानी से अपने जीवन को बदल दोगे। ज्यादा कठिन मत समझो इस चीज को, बस थोड़ा गहराई से समझो। ये उदासी लेकर मत बैठा करो कि मैंने इतने दिन बहाया, इतने दिन नाश कर दिया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, ये वो वगैरह वगैरह, नहीं, ये नहीं सोचना। अगर आप जख्म के बारे में सोचोगे तो जख्म का दर्द आपको ज्यादा महसूस होगा, लेकिन अगर आप उसके ठीक करने के लिए औषधि या इलाज ढूंढोगे तो निश्चित ही आप उसे जल्दी ठीक कर लोगे। अगर आपको अश्लीलता से बाहर निकलना है तो अश्लीलता के बारे में विचार मत करो, बल्कि अच्छे काम, सत्य की खोज के लिए आगे बढ़ो। अपने डेली के काम भी करो, जो जॉब करते हैं वो जॉब भी करो, और जो समय है उसमें आध्यात्मिकता
इस संसार के ज्ञान को जानने की जो इच्छा और वो प्रभु के जो और जो संसार में असीम ज्ञान है उसे जानने में खुद को लगाओ, आप निश्चित ही इस चीज से निकल जाओगे। अगर लगे शेयर करने लायक तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि अब मैं भागवत गीता अपलोड करने लगा हूं तो बहुत कम लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण छपे हैं और श्री कृष्ण को देखना कौन चाहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई अब बच्चे हैं वो मेरी वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों की मानसिकता जैसे तैसे बदले। शुरुआत में सबको बकवास ही लगती है ये चीजें, लेकिन जब इनका स्वाद कोई चख लेता है तो इनको छोड़ पाना असंभव है, क्योंकि यही तो जीवन है। तो अगर लगे शेयर करने लायक तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।